हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम आरती सकलानी, योर साइंस टीचर, गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर इन साइंस, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ऑलराइट बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका इस चैप्टर में हमने चेंजेस के डिफरेंट चेंजेस जो आपके सराउंडिंग्स में हो रहे हैं या जो आपको नए चेंजेस आपको इस चैप्टर में बताए जाएंगे, आपको उनको क्लासिफाई कैसे करना है कि आपका किस टाइप का चेंजेस है। हमने क्लास सिक्स में पढ़ा था बच्चों, आपका कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से चेंजेस हैं आपके जो आप रिवर्स कर सकते हैं, मतलब आप उनको आपकी इनिशियल कंडीशन में दोबारा, जैसे जिस चीज़ से हमने उसे बदला था, हम उसी चीज़ में उसे बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, उस बेसिस पे हमने उन्हें रिवर्सिबल और इन रिवर्सिबल चेंजेस में हमने उसे क्या किया था, क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो कुछ चेंजेस ऐसे थे जो आप क्या कर रहे थे, जिनसे आप उन्हें बदल रहे थे। लाइक आपका मैं सीधे एग्जांपल लेके चलूँ कि आपने एक पेपर से आपने क्या किया, आपने एरोप्लेन बनाया। अब आपको वो एरोप्लेन पसंद नहीं आया, आपने फिर से उसको अनफोल्ड करके पेपर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका चेंज तो हुआ था, पेपर से आपने एरोप्लेन बनाया था। ठीक है, पहले पेपर था फिर एरोप्लेन बन गया था। अब आपको एरोप्लेन पसंद नहीं आया तो आपने फिर से उसे अनफोल्ड करके क्या कर दिया बच्चों, पेपर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका कौन सा एग्जांपल था, ये आपका रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल था। इसके अलावा अगर आपका कोई इनरिवर्सिबल चेंज बोला जाए, दैट मीन्स जिसको हम उससे उसकी इनिशियल कंडीशन जैसा वो पहले था वैसा ना बना सकें, तो आपका इनरिवर्सिबल चेंज। तो इसका एग्जाम्पल क्या था बच्चों, इसका अगर आप क्या कर रहे हो, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हो और आपको कर्ड से फिर से मिल्क, अगर आपको कर्ड बाद में जब आपका आपने कर्ड बना दी, आपको लगा कि ओहो कर्ड नहीं, हमें मिल्क ही चाहिए था, तो आप कर्ड से दोबारा आप किससे अगर बोला जाए मिल्क बनाओ, तो आप उसे फिर से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो आपका इनरिवर्सिबल चेंज था। तो क्लास सिक्स में हमने इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि आपके सराउंडिंग्स में होने वाले चेंजेस कौन कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो आपके रिवर्स हो जाते हैं और कौन कौन से चेंजेस आपके ऐसे हैं जो आपके रिवर्स नहीं होते। ऑलराइट, तो आपके अब हम इस चैप्टर में और दूसरे टाइप के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एवरीडे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स, दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water, make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, ठीक है, आपका कर्ड की सेटिंग करने के बाद आपका उस आपका कर्ड क्या होता है, परमानेंट चेंज हो जाता है, हम उसको दोबारा आपका क्या नहीं कर सकते हैं, मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आपका स्ट्रेच्ड रबड़, कि हमने रबड़ बैंड जो लिया, जो आप जब बालों में भी लगाते हैं, अगर हम उनको क्या करें, स्ट्रेच करें, दैट मीन्स अगर हम उसे खींचे तो आपका वो खींच जाता है और उसको हम दोबारा अगर उस एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ दें तो आपका रबड़ बैंड इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। तो ये आपके सराउंडिंग्स में होने वाले आपके डे टू डे लाइफ के कुछ चेंजेस हैं जो हम देखते हैं कि आपका हमारे अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं और उनको हम किस तरह से रिवर्स करते हैं और किस तरह से आपके कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपके रिवर्स नहीं होते। Alright, in this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical or chemical. अब हम क्लासिक्स में हमने रिवर्सिबल और इन रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर हम बच्चों बात करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस की। पहले आपका ये फिजिकल और केमिकल चेंज मैं आपको ऐसे ही सिंपल बता दूं आपको किस तरह से ध्यान रखना है बच्चों। फिजिकल चेंज आपके ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपके टेम्परेरी चेंज होते हैं, ठीक है, मतलब आपका परमानेंट चेंज नहीं होता, ठीक। या मैं बोलूं आपका रिवर्सिबल, जिसको हम नाम दे रहे थे, जो आप क्या कर रहे थे, रिवर्स कर रहे थे जिन चेंजेस को, ठीक है, जैसे आपने पेपर से एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन आपको पसंद नहीं आया, आपने फिर से उससे पेपर बना दिया, ठीक है। तो ये आपके क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। उन्हीं रिवर्सिबल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, जो आपके टेम्परेरी चेंज होते हैं। ऑलराइट, जिसको आप क्या कर सकते हो, फिर से जिस चीज़ से आपने उसे बनाया था उसी चीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ फिजिकल चेंजेस। और जो आपके इनरिवर्सिबल चेंज थे, दैट मीन्स जैसे आपका मिल्क से कर्ड बन रहा था और फिर आप कर्ड से अगर आपसे बोला जाए कि वही मिल्क में उसे बदल दो, तो हम उसे नहीं बदल पाते, वो मतलब आपके इनरिवर्सिबल चेंज थे जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था सिक्स में। तो आपका ऐसे चेंज जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जिनको अभी तक हम इन रिवर्सिबल चेंज पढ़ रहे थे, उनको हम बोलेंगे आपका केमिकल चेंज।
ऑल राइट। तो आप इनको कैसे ध्यान रखेंगे? फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्परेरी चेंज एंड केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज। ऑल राइट, तो हम इस चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैंने सिंपल याद करने का ढंग तरीका बता दिया। कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि हमें फिजिकल और केमिकल में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो फिजिकल का ध्यान रखना टेम्पोररी चेंज, ठीक है, जिनको हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, और केमिकल का मतलब परमानेंट, एक बार चेंज हो गया दोबारा हम उसको उसकी इनिशियल स्टेट में नहीं ला सकते। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो फिजिकल चेंज होते हैं, और ऐसे कौन कौन से चेंज हैं जो आपके टेम्परेरी चेंज हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटी हम समझना चाहेंगे कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि आपको एक्सप्लेन होगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज क्या है और आपके केमिकल चेंजेस क्या हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी 6.1 को देखेंगे। आपने क्या करना है, एक पेपर लिया, आपके पिक्चर में यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, पेपर को क्या किया आपने 4 स्क्वायर में कट कर दिया। ठीक है, इक्वल पार्ट में आपने इसे कट कर दिया। ले दीज पीसेज ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेज एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। ठीक है, पहले आपने क्या कर दिया, उसको काट दिया चार स्क्वायर में। अब आपने क्या किया, उसे आपने फर्श में आपने इक्वल आपने क्या किया बिछा दिया, या आपने टेबल के ऊपर उसे क्या किया सेट किया। तो क्या आप इस पेपर को फिर से आप उसकी एक्चुअल इमेज जैसे आपने उसे जिससे आपने उसे काटा था वैसे ही आप उसे बना सकते हो? यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेज ऑफ pieces back to make the original piece, but is there is a change in the property of the paper, all right? पर आपको अब लग रहा है कि हमने गलती से इसे काट दिया। ठीक है, आपको वैसे ही पेपर इसका चाहिए था जो स्क्वायर पीस आपके पास पहले था, तो क्या आप इसको फिर से आप उसी स्क्वायर पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम इसको फिर से इसको पहले जैसा पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका कैसा चेंज है, या आपका इनरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, इनरिवर्सिबल चेंज है, हम इसकी क्या नहीं कर सकते हैं, इसे इनिशियल कंडीशन में वापस नहीं भेज सकते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किसी तरह का चेंज हुआ है, तो यस, इसमें आपका चेंज हुआ है। पहले आपके पास एक ही पीस था कागज़ का, अब आपने उसे क्या कर दिया है, कट करके आपने उसको चार हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया है। उसके अलावा भी आपने इसके 4 पार्ट, एक स्क्वायर के और 4 पार्ट कर दिए। तो आपने कागज़ की जो पेपर आपके पास था उसी उसके आपने क्या किया है, उसके आपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या कर दी है, चेंज कर दी है। पहले आपके पास बड़ा पेपर था, उसके बाद आपने उसे छोटे छोटे पेपर में चेंज कर दिया है। ऑल राइट, तो ये आपका चेंज तो हुआ है, बट आपका हम उस चेंज को क्या नहीं कर सकते हैं बच्चों, उस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉकबोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रश इन स्मॉल पीसेस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, रोल इट इनटू द शेप ऑफ द पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई, डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट। ठीक है, आपने क्या किया, आपने स्कूल, जब आपका स्कूल में आपके क्या होते हैं ब्लैक बोर्ड के पास आपका बहुत सारा जब चॉक का यूज़ होता है, तो आपका चॉक डस्ट क्या होता है ब्लैक बोर्ड के नीचे आपका इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, वो चॉक डस्ट को कलेक्ट करना है और उस चॉक डस्ट से फिर से आपने चॉक बनाने की कोशिश करनी है। आपने क्या किया, वो चॉक डस्ट ली, चॉक का पाउडर जितना भी आपके ब्लैक बोर्ड के सामने था आपने वो लिया, उसमें आपने थोड़ा सा पानी मिलाया और उससे फिर से आपने क्या की चॉक स्टिक बनाई। ठीक है, पानी डाला और उसको आपने क्या किया उसी शेप में हाथ से क्या करना है, चॉक की लंबी लंबी स्टिक्स बनानी है और फिर उसको आपने क्या करना है ड्राई करना है। ठीक है, पानी की हेल्प से तो हमने उसे क्या बना दिया, चॉक स्टिक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब आपने उसे ड्राई किया, तो क्या आपकी चॉक स्टिक बन जाएंगी फिर से जो आपकी पहले जैसे चॉक था? तो यस, आप क्या कर सकते हो, चॉक डस्ट की हेल्प से हम उसे पानी डाल के उसे हम फिर से उसको चॉक स्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये आपका कैसा चेंज है, ये आपका टेम्परेरी चेंज था, दैट मीन्स फिजिकल चेंज था, या मैं बात करूँ रिवर्सिबल चेंज था, इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रिज मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। ठीक है, सिंपल सा एक आपका एग्जांपल और दे रहे हैं आपको एक्टिविटी के थ्रू। आपका क्या है, आपने फ्रिज में आइस जमाई,
ठीक है। अब आपने उस आइस को बाहर निकाला फ्रिज से और उसमें से कुछ आइस को आपने क्या किया, सनलाइट में, सन धूप में रख दिया या रूम में ही आपने रूम टेम्परेचर में रखा। आप कुछ समय बाद देखते हो कि आपकी आइस क्या होती है, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेल्ट मतलब पिघलने स्टार्ट हो जाती है, पानी बन जाता है। ठीक है, उसमें आपने क्या किया, आपने उसमें थोड़ा सा शुगर मिलाया और फिर से उसे क्या किया, फ्रिज में अगर आपने रखा तो क्या उसमें फिर से आपकी क्या बन जाएगी, उस पानी से जो मेल्ट हुआ है वो फिर से आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, आपका वो फिर से आपका क्या हो जाएगा, जो मेल्टिंग आइस थी वो आपकी फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज़ ऑल्सो अ रिवर्सिबल एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब टेम्परेरी चेंज था, टेम्परेरी चेंज मैंने अभी आपको बताया था कि टेम्परेरी चेंज को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फिजिकल चेंज। ऑलराइट, तो आपका चौक डस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, चौक बना रहे थे, उसी तरह से हम पिघली हुई आइस को फिर से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके क्या है, टेम्परेरी चेंज है, मतलब आपका आइस से पानी बना तो आइस चेंज हुई, पानी में आई। ठीक है, फिर से हमने पानी को आइस में कन्वर्ट किया तो दैट मीन्स आपका फिर से हमने इसमें चेंज किया, आपका किस तरह का चेंज हो गया, आपका फिजिकल चेंज हो गया, टेम्परेरी चेंज हो गया। ऑलराइट, तो इसी तरह से बच्चों हमने समझने हैं कि कौन कौन से चेंजेस आपके क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, कौन कौन से आपके टेम्परेरी चेंज होते हैं और कौन कौन से आपके परमानेंट चेंज होते हैं। ठीक है, कुछ चेंज ऐसे होते हैं कि हम उनको फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से हम पानी से बर्फ़ जमा रहे हैं और बर्फ़ को फिर से पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, पानी से बर्फ़ जमाया और अगर हमें बर्फ़ नहीं फिर से पानी लेना है तो हम बर्फ़ को क्या करेंगे, फिर से पिघला देंगे, वो फिर से पानी में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, टेम्परेरी चेंज थे। ठीक है, इसीलिए हमने इन्हें क्या बोला, फिजिकल चेंज हो बोला। बट आपके सारे चेंज बच्चों ऐसे नहीं होते हैं, आपके कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो आपके परमानेंट चेंज हो जाते हैं। ऑलराइट, अब इसमें क्या है, बॉयल्ड, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है आपका, बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, होल्ड एन इनवर्ट पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट some distance from the boiled water, observe the inner surface of pan, do you see any droplet of water there? ठीक है, आपने क्या किया, पानी को एक पैन में लिया, एक ग्लास पानी लिया, उसको आपने उबालना स्टार्ट किया। अब जब आपका स्टीम उसमें से निकलने लगे, जब भाप निकलने लगे, आपने क्या करना है, उस पैन के ऊपर कोई दूसरा, या तो आप प्लेट रख सकते हो या आपने उसमें कोई भी ढक्कन अगर आपने रखा और उसको आपने थोड़ी देर बाद उठाया, उस ढक्कन को आपने देखना है कि उस ढक्कन के नीचे किसी तरह का पानी इकट्ठा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप बहुत नॉर्मल सी बात है, इससे पहले भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब पानी में से भाप निकलती है उसके ऊपर अगर हम ढक्कन लगा दें तो वो भाप आपके अगेन क्या होती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। ठीक है, पानी बॉईल किया, उसके ऊपर कोई भी प्लेट रख दो या कोई भी कंटेनर अगर आप उसके ऊपर रखते हो तो आपका उस कंटेनर से जैसे ही भाप आपकी टकराती है, आपकी भाप फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टेम्परेरी चेंज। ठीक है, वाटर टू वेपर एंड वेपर टू वाटर, तो ये भी आपका क्या होगा, रिवर्सिबल चेंज है, मतलब टेम्परेरी चेंज है, आपका ये फिजिकल चेंज में आएगा। ऑलराइट, आपने ध्यान क्या रखना है बच्चों, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। आप कभी भी कोई गर्म चीज़ से काम कर रहे हो, आग से काम कर रहे हो, तो उसमें आपने थोड़ा ये एक्टिविटीज़ करते समय ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह का हार्म ना पहुँचे। ऑलराइट, इसके अलावा आपका एक एग्जांपल और दे रहे हैं, होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोस, कीप द टिप ऑफ द थ्री एंड्स ऑफ द ब्लेड ऑन द ग्लास स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, डज द कलर ऑफ टिप of the blade change, remove the blade from the flame, observe the tip once again after some times। ठीक है, आपका हैक्सॉ ब्लेड किसे बोलते हैं, जो आपका आयरन काटने का एक आपकी आरी बोलते हैं उसको नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, एक ब्लेड होती है जो आपकी प्लास्टिक उससे लगी होती है, हैंडल होता है प्रॉपर। ठीक है, इस तरह से आपकी एक वो लगी होती है, उस पर आपका हैंडल होता है, उसको अगर आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको क्या करना है, आपने उसको दोनों साइड से हैंडल के थ्रू पकड़ना है और उसको आपने गर्म करना है, तो आपका ये आपकी जो ब्लेड है ये आयरन की है, जब आप इसको हीट अप करते हो तो ये आपकी क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, बहुत लाल हो जाएगी गर्म होके।
ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, आपने आपको किसी तरह से हार्म ना पहुँचे अगर आप इस एक्टिविटी को कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी क्या होती है, ब्लेड का कलर थोड़ी देर के लिए चेंज होता है, आपका गर्म हो जाता है, उसके कारण वो रेड हो रहा है। अब आप जब उसको क्या करते हो, गैस स्टोव से अलग कर देते हो, ठंडा कर देते हो, तो आपकी फिर से वो टिप जो ब्लेड की है वो आपके ओरिजिनल अपनी एक्चुअल कलर में आ जाती है। तो ये भी आपका एक टेम्परेरी चेंज है, यानी कि आपका एक तरह का फिजिकल चेंज है। ऑल राइट, अब आपका नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी सच एस शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऑल राइट, जो मैंने अभी आपको कहा था कि आप जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, सिक्स में क्लास में पढ़ा था कि रिवर्सिबल चेंज जो होते हैं, मतलब जिनको हम वापस उनकी इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी चेंज बोलते हैं। मतलब कुछ समय के लिए उसमें आपका चेंज आया, उसके बाद आपका वो फिर से अपनी उसी स्टेट में आ जाता है जैसे वो पहला था। तो उसको हमने रिवर्सिबल चेंज के बारे में के नाम से जो पढ़ा था, उसी को हम यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों, आपका टेम्परेरी चेंज को फिजिकल चेंज प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे, ठीक है। या आपका दूसरी लैंग्वेज में आपका बता रहे हैं कि आपका ऐसे चेंजेस जिसमें आपकी कोई नई चीज़ नहीं बनती, ठीक है, उसको हम उनको क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। ऑल राइट, इसका अपोजिट आपका इनरिवर्सिबल चेंज, मतलब आपका केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज में आपका क्या होता है, फिजिकल चेंज में बच्चों आपकी कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, और केमिकल चेंज उसका उल्टा होता है, केमिकल चेंजेस में आपके क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। ऑल राइट, अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम्स इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्म लैंड, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन केप्ट द ओपन गेट्स रस्टेड। ऑल राइट, आपका केमिकल चेंज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहे हैं, जो आपने देखा भी होगा और आप ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली, कि आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो जंक में आपके, जो लोहे में आपके जंक लगने की प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि आयरन आर्टिकल, ठीक है, आयरन के जो भी सामान होते हैं, अगर हमने उसकी केयर नहीं की, ठीक है, हमने उसे बाहर खुले में ऐसे ही रखा हुआ है, उसमें आपके बारिश का पानी, हवा आपकी कंटिन्यूस क्या हो रही है, उसमें लगती जा रही है, तो आपके जो भी लोहे का सामान होता है उसमें क्या हो जाती है, एक ब्राउन कलर की लेयर बननी, पाउडरी लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। उस ब्राउन कलर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, जंक लग गया लोहे पे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ऑब्जर्व करिएगा। तो इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों। आपका कोई भी, आपने गार्डन में बेंचेस होते हैं, आपके पार्क में अगर आप जाते हैं वहाँ पे कोई बेंच है, या आपका कोई ऐसी कोई आर्टिकल, घर का आर्टिकल आपका कहाँ ऐसी बाहर छत में पड़ा हुआ है, तो आप उसमें जनरली इस प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो कि किसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन बोल रहे हैं, किस तरह से आपका आयरन आर्टिकल क्या होता है, उसमें रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, उस जिस आयरन पीस पे आपका क्या गया है, जंक लग गया है, उस जंक को रिवर्स करना चाहें कि आपका लोहा फिर से वैसे ही हो जाए जैसे पहले था, तो क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? नहीं, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर एक बार आपके आयरन आर्टिकल्स पे किसकी रस्ट की फॉर्मेशन हो जाए, तो आप उस रस्ट को रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको पहले ही अपने आयरन आर्टिकल्स की देखभाल करनी होती है, उसको हमें बारिश, हवा और पानी से बचाना होता है, ताकि आपका आयरन आर्टिकल क्या रहे, लॉन्ग टाइम तक आपका सेफ रहे। जैसे ही आपका आयरन के किसी भी कंटेनर में जंक लग जाता है, तो उससे आपकी आयरन की जो क्या होती है, मजबूती होती है, वो आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। या मैं बोलूं कि आपका आयरन आर्टिकल जो होगा वो आपका क्या हो जाता है, कच्चा हो जाता है, टूट जाएगा जल्दी, अगर उसमें क्या हो गया, आपका रस्ट की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस, आपका लोहा था उस, वो किस में बदल गया, आपका जंक में बदल गया, ठीक है। ऐसे चेंजेस जो आपके क्या करें, नई चीज़ बन गई, ठीक है, पहले आपका आयरन आर्टिकल था, अब उसके ऊपर क्या बन गया, आपका नया सब्सटेंस बन गया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रस्ट बोल रहे हैं, जंक बोल रहे हैं। तो ऐसे चेंजेस जिसमें आपकी कुछ नई चीज़ बने, ठीक है, और जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल जैसा वो पहले था,
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, केमिकल चेंजेस बोलेंगे। ऑल राइट, अच्छा तो हम इसको आपका किस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने इस चेंज को, जो आपका ये आयरन आर्टिकल्स क्या हुआ आपका ख़राब हुआ है, उसको हम किस प्रोसेस के थ्रू आपका क्या कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं आपका, अगर हम क्या करें उसमें आपका एक आपको देर का है इसी चैप्टर में आगे गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस है आपकी गैल्वेनाइजेशन, एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्या करते हैं अपने आयरन आर्टिकल्स को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, क्या करना है, आयरन लोहे का जो भी आर्टिकल है जिसको हमने क्या करना है, जिसको हमने जंक लगने से बचाना है, उस पर आपने देखा होगा जनरली हम घर में क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, तो पेंट क्यों कर रहे हैं, पेंट से आपका एक तो आपका क्या हो रहा है, आयरन जो आपका है वो आपका हवा पानी मॉइस्चर से उसका प्रोटेक्शन हो रहा है, आपकी जंक की फॉर्मेशन उस पर नहीं होगी, दूसरा आपका आयरन जो है वो आयरन का जो भी आर्टिकल है वो आपका अच्छा दिखने लग जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं आपके आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका उसी प्रोसेस को, वो प्रोसेस जिसमें हम एक लेयर बाहर से जिंक की लगा देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ऑलराइट, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द गैल्वेनाइजेशन एंड व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ गैल्वेनाइजेशन। द गैल्वेनाइजेशन क्या है आपका, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। द आयरन pipes we used in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. Alright, galvanization हमने process क्यों use की, to prevent rusting, ताकि आपके articles के ऊपर जिसके ऊपर भी आपने वो जिंक की layer लगाई है चढ़ाई है उसमें आपके junk ना लगे, इसलिए हमने क्या किया है उसको में एक तरह का paint से आपने क्या कर दिया, outer layer उसकी बना दी है। ऑलराइट, तो ये आपका क्या था, केमिकल चेंज था, कौन सा, कि आपके लोहे के ऊपर क्या हो जाती है बच्चों, जंक की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका बच्चों हमने यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन भी है आपका। क्रिस्टलाइजेशन क्या है आपका, क्रिस्टलाइजेशन आपने हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आपका इवेपरेशन कंडेंसेशन, या आपके आपने क्लास सिक्स में भी पढ़ा था कि हम किस तरह से पानी में अगर हमने सॉल्ट मिला दिया या शुगर मिला दिया उसको हम क्या करें, अगर हम गर्म करें तो उसमें से आपका पानी क्या होगा, धीरे धीरे पूरा उड़ जाता है। ठीक है, रिमूव हो जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है और आपका जो सॉल्ट और शुगर होता है वो आपके कंटेनर में नीचे जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल फाइन पाउडर होता है, उसमें आपका क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, मतलब दाने नहीं दिखाई देते हैं नमक और चीनी के, तो उस प्रोसेस बट उसमें आपके क्या होते हैं, नमक और चीनी आपका नीचे डिपॉजिट होता है जब हम उसे उबालते हैं, किसको, शुगर सॉल्यूशन और वाटर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या करते हैं, जब हम शुगर किसी एक गिलास पानी में हमने चीनी मिलाई या नमक मिलाया, ठीक है, अब हम उस पानी को गर्म करें तो धीरे धीरे पानी क्या होने लग जाता है, पूरा उड़ जाता है। ठीक है, भाप के फॉर्म में, और आपका जो नमक और चीनी जो आपने उसमें मिलाया था वो आपके क्या होता है, कंटेनर की बॉटम में लेयर में सेट हो जाता है। ऑलराइट, अब आपका अगर हम उस जब वो आपका ठंडा हो जाए उस पाउडर को अगर अपने क्या करें फिंगर से टच करें तो आपको बारीक बारीक से उसमें क्रिस्टल या फाइन पाउडर जो आपको लगता है उसको अगर हम अपनी फिंगर्स के बीच में मसलें तो आपको दिखाई देंगे कि हाँ महसूस होंगे कि आपके उनमें आपके किसी बहुत महीन से क्रिस्टल हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस का आपका क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, आपका जिससे आपको क्रिस्टल की फॉर्म मिले। ठीक है, इन क्लास सिक्स यू हैव लर्न्ड दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। द सी ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, हम सभी को मालूम है कि हमें सॉल्ट कहाँ से मिलता है बच्चों, सी वाटर से मिलता है। अब सी वाटर से आप नमक कैसे लेते हो, सी वाटर को इवेपोरेट किया जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या प्रोसेस थी आपकी, वाटर से वाटर वेपर की फॉर्म में लाने को। ठीक है, आपने पानी को गर्म किया और कब तक गर्म किया, जब तक उससे पूरा पानी क्या नहीं हो जाता है आपका, वेपर फॉर्म में नहीं आ जाता। ठीक है, तो पानी आपका सी वाटर में से क्या होता है, पूरा उड़ जाता है और आपका उसमें क्या रह जाता है, आपके उसमें आपके क्रिस्टल रह जाते हैं सॉल्ट के। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ऑलराइट, तो इसमें आपका एक एग्जांपल और दिया है, टेक अ
cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water. आपका एक कॉपर सल्फेट आपका एक केमिकल मटेरियल होता है, उसको हमने क्या करना है, पानी में डिसॉल्व करना है, ठीक है, और उसमें हमने डालना है थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब आप जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के कॉपर सल्फेट डाल के पानी में आप क्या करते हो, उसे बॉईल करते हो, तो धीरे धीरे आपको क्या दिखाई देते हैं, आपको उस पानी के अंदर आपको कॉपर सल्फेट जो आपने केमिकल डाला है उसके अंदर आपको क्रिस्टल दिखाई देते हैं ब्लू कलर के। जो कॉपर सल्फेट होता है बच्चों वो आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जब हम उसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, छानेंगे, तो आपके क्या होंगे, वो ब्लू कलर के क्रिस्टल जो होंगे वो आपके ऊपर फिल्टर पेपर में रह जाते हैं, ठीक है, और आपका जो ब्लू कलर का पानी है वो आपका नीचे आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू आप एक देख सकते हो कि क्रिस्टलाइजेशन हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या करना है, पानी लिया एक कप, उसमें हम कॉपर सल्फेट के कॉपर सल्फेट मिक्स करते हैं और उसमें हमने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, फिर हमने उसे गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग द कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टिरिंग कंटिन्यूअसली कंटिन्यूस एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व फिल्टर द सॉल्यूशन अलाउ इट टू कूल, ठीक है। पानी लिया, उसमें कॉपर सल्फेट डाला, कुछ ड्रॉप्स हमने सल्फ्यूरिक एसिड की डाली, फिर हम उस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट मिलाते रहेंगे। कब तक हमने कॉपर सल्फेट मिलाना है, जब तक आपका कॉपर सल्फेट उसमें घुलना बंद नहीं हो जाता। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था बच्चों, लास्ट ईयर भी पढ़ा था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, तब तक कोई चीज़ मिक्स करते जाओ जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, ठीक है। फिर आप उसको क्या करोगे, जब आपने उसमें देखा कि आपका और कॉपर सल्फेट मिक्स नहीं हो रहा है, आप उस सॉल्यूशन को क्या करोगे, गर्म करना बंद कर दोगे और उसको ठंडा होने दोगे, ठीक है। फिल्टर द सॉल्यूशन, इसके बाद आपने फ़िल्टर करना है, अलाउ इट टू बी कूल, ठीक है, जब तक वो ठंडा ना हो तब तक उसको छोड़ देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन विच इट इज़ कूलिंग, लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम्स, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ़ नॉट वेट फॉर सम मिनट्स, ठीक है। आपको क्या दिखाई देंगे, उसमें आप जब उसे ठंडा करोगे सॉल्यूशन को, तो आपका सॉल्यूशन ठंडा होते ही उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको हम फिल्टर करके आपका अलग कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर था बच्चों, जिसमें आपका फिजिकल और केमिकल चैप्टर चेंजेस आपको बताया गया था कि कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में दिखाई देते हैं, कौन कौन से केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंज किन्हें कहेंगे, ठीक है। तो केमिकल चेंज आपको जनरल ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि केमिकल चेंज ऐसे चेंज है जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और आपके फिजिकल चेंज ऐसे चेंज हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इसमें वो ही चीज़ें बताई हैं जो आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन है, आपका इवेपरेशन है कि शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन को हम इवेपरेट करके उसमें से हम नमक और चीनी के पाउडर को अलग करके बॉटम में जो बच जाता है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से आपके विद द हेल्प ऑफ इवेपरेशन प्रोसेस हम आपका क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, ठीक है। और उन चेंजेस को हम फिजिकल चेंज किसको कहेंगे, जिसमें आपका कोई नया चीज़ नहीं बनती, और केमिकल चेंज हम उन्हें कहेंगे जिनमें आपकी नई चीज़ बनती है या परमानेंट आपके चेंज होते हैं। ऑल राइट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, अगर आप एक दो बार क्या करते हैं, आप इस चैप्टर को रीड करते हैं, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें आपका किस चेंज की बात कर रहे हैं, और उन चेंजेस में से कौन से चेंजेस आपके फिजिकल चेंज होते हैं और कौन से चेंजेस आपके केमिकल चेंज होते हैं। बीच में आपके एक दो इसमें एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपकी सिर्फ स्कूल में ही हो सकती हैं, बट आपका एम ऑफ चैप्टर यही है कि आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पता हो। तो आपको आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।